महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता राम गोविंद को दक्षिण अफ्रीका में 7 साल की जेल हुई है। डरबन की एक अदालत ने उन्हें 3,22,00,000 की धोखाधड़ी के मामले में सोमवार को सजा सुनाई। इस केस में वे 2015 से जमानत पर थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ऐलान किया कि 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी फ्री वैक्सीन का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के एक दिन बाद यानी मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नई गाइडलाइन जारी कर दी। ये 21 जून से लागू हो जाएंगी। मराठा आरक्षण, तूफानों से हुए नुकसान और वैक्सीनेशन जैसे कई अहम मुद्दों पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खास बात यह थी कि एक दिन पहले मुलाकात का शेड्यूल हुआ और दोनों ने मीटिंग अकेले में की। राजस्थान में पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद बनी कांग्रेस की 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की अब तक रिपोर्ट नहीं आने पर कांग्रेस ने एक बार फिर विरोध के सुर उठने लगे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनसे किए गए वादे पूरे नहीं होने पर नाराजगी जताई है। शेयर बाजार आज उतार चढ़ाव के बीच मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएससी का सेंसेक्स 53 पॉइंट गिरकर 52,275 पर बंद हुआ। एनएससी का निफ्टी 0.07% की कमजोरी के साथ 15,740 पर रहा।